सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, सेल साइड का ये ट्रेड होगा, बजाज फिनसो पे मैं सेल करूंगा। कल हमने एक शार्प बिकवाली देखी इसमें, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप अगर डेरिवेटिव्स का डेटा देखे तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो ये जो शॉर्ट बिल्टअप है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आज जो भी उछाल मिलेगा उसमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुलते ही अगर नीचे खुलता है तो थोड़ा सा वेट करे, क्योंकि मुझे लगता है एक पुल बैक मिलेगा और उसके बाद बाजार में करेक्शन आएगा। तो सेल ऑन राइज विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, 1570 का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट मुझे लगता है बजाज फिनसर्व ने अनफोल्ड किया है कल के ब्रीच के बाद, वो रहेगा करीबन 1470 का। तो 1470 ये इसका टारगेट है, जो इसका 200 डीएमए लेवल है। तो ये 1470 तक अभी इसका करेक्शन ड्यू है। तो इट्स अ सेल इन बजाज फिनसर्व। सेल इन बजाज फिनसर्व, ये हो गया राजेश सतपुते जी का कॉल इस समय पर। अमित सेठ को जोड़ते हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा शॉर्ट ट्रेड शॉर्ट साइड पे मेरा व्यू है आज, और शॉर्ट साइड में जो मैंने ट्रेड चूज किया दैट इज बजाज फाइनेंस। यहाँ पे भी हम देखें तो एक इसमें स्टॉक में लोअर टाइम फ्रेम में लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। आवली चार्ट्स में देखें तो एक क्रूशियल 200 डे आवली इसने ब्रेक कर दिया। तो नियर टर्म मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन अनफोल्ड करेगा। सपोर्ट्स इसके लगभग 7000 के आसपास हैं। तो बजाज फिनसर्व सेल करें, थोड़ा सा राइज में मिले तो ज्यादा बेटर, रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। 7300 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स लगभग 7000 के रहेंगे। मेरे ख्याल से फाइनेंस का बोला तो बजाज फिनसर्व सतपुते साहब का सेल आइडिया, बजाज फाइनेंस अमित सेठ साहब का, बेच के चलिए। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे सेल कॉल रहेगा। स्टॉक में एक अच्छा प्रेशर देखने मिला कल, वॉई बिल्टअप भी काफी था और स्टॉक में नंबर्स के बाद एक आई थिंक आज रिएक्शन देखने मिलेगा। तो 269 के टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 281 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर किसी को पुट के थ्रू इसे ट्रेड करना है तो 275 के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 8 रुपए के करीब ये चल रहा है। उसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है उसमें वो 5 रुपए का एसएल लगा है। मुझे लगता है कि इसमें 13 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, एचपीसीएल में सेल कॉल लेना है आपको। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में नंबर्स के बाद खासी बिक रहे हैं, हालांकि नंबर्स अच्छे रहे सबके, लेकिन अगेन क्योंकि पिछले क्वार्टर में क्रूड बहुत गिरा था, इसके लिए एक्सपेक्टेड था, और इस क्वार्टर में अब क्रूड ने बढ़ना शुरू किया है, तो क्या वो मार्केटिंग मार्जिन सस्टेन करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा डाउट है मार्केट के मन में, और यहाँ पर डिक्लाइन आनी शुरू हुई है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।